पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं द्रोणपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताश्वशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं महास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं प्रणमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 यो विश्वात्मा विधिर्विषयान् राश्यभोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् स्वमतिर्विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनर्विन्धनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हृत्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न सुरीयः அதர்வேதியம் மாண்பின் கூட்டம் சென்று அத்வைத நாமம் கீர்த்திகளுடன் சமாந்தரையாக இஸ்மிஜாய் கிரந்தகார் பெயர் பிரதிஜா கீதி அதோ வருஷம் அகார் பிரகடம் அஜாத்தின் சமதா கொடுத்தேன் ஆகே சமயம் பதாங்க மத்தப் அத்வைத பாரமார்த்திக் சத்திய ஒரு பேத ரஹித்வ சமஜ்னா ஹி அக்ரிபணதா ஹை भेद तो सभी व्यक्ति समझते हैं और इसी के कारण ये भेद देखने के कारण ही संसार में जिसको छुटकारा नहीं हो पाता यही कृपणता हो गया है। अभेद दृष्टि आने पर एक कृत्य दृष्टि आने पर मनुष्य संसार में जीवन हो सकता है। होता कैसे है, मन को अमन करना पड़ता है। मनुष्य एक अमनी भाग दैत्य महंगे को लगता है। मन अमन होता कैसे है, आत्मसत्व अनुभूत ही मना संकल्प अमनुष्क ठीक है ना। कितना जितना श्रुति अनुभूत युक्ति के द्वारा श्रुति लाखों का यहाँ पर समझा गया है कि पारमार्थिक दृष्टि से ये अधिष्ठान सच्चिदानंद ही एकमात्र सत्य है और नाम रूप विकार मात्र है। श्रुति कई बार अपने आप बोलती है भाषारम मनो विकार और नाम धन वृत्ति का ही देव सत्य अथा तो आदेश नहीं दे तो सब नाम रूप परिषेद कर देते अधिष्ठान को सत्य मानते हैं। इस अधिष्ठान के पारमार्थिक सत्य को जब आप शास्त्र आपको गुरुमुख से सुनकर के निश्चय कर लेंगे तब आत्मसत्य अनुबोध है ना बाहर व्यक्ति वस्तु मिथ्या निश्चय हो जाएगा। तत्सम मन में कोई विचार नहीं होता, न संकल्प ज्यादा
तब मन धीरे धीरे अमन हो जाता है। अमन मन तो कहाँ जाए, अपनी अधिष्ठित व्यापकता को विषय चिंतन नहीं करता, कोई अवलंबन चाहिए अपने स्वरूप को अवलंबन लेकर के मन भी तो मन जाता है ना। अपने स्वरूप को अवलंबन लेकर के मैं असंग हूँ, मैं पूर्ण हूँ, व्यापक हूँ, उस व्यापकता के भाव के साथ एक हो जाता है। परंतु मन को इस अवस्था में लाना इतना सरल काम है, वो कितना कठिन काम है, उससे को उठा दे जाते बाद उषात्र ने एक भी बना, मतलब समुद्र को एक एक बूंद करके सुखाने के लिए जितना अध्यावसाय और निष्ठा चाहिए, इतना निष्ठा के साथ अध्यावसाय के साथ अगर हम लगे रहेंगे तो मन धीरे धीरे अपने बस में आ जाता है। मन को अपने बस में करने के लिए चार प्रतिबंध, मतलब तब तो साक्षात्कार में चार प्रतिबंध पैदा कर, जब मन को आप लगाने का कोशिश करना, स्थिर करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बाकी तो प्रकृति के अनुसार चंद्र प्रतिबंध भी प्रतिबंध है। उस समय क्या होता है, पहले मन सोने की इच्छा करता है, जब मन को स्थिर करने की इच्छा करेंगे मन को सोने की इच्छा करती है, जब आप सोने से जगह तो फिर मन को विषय की ओर जाने की इच्छा करते हैं, आप सोने से भी रोका विषय की तरफ जाने से भी रोका तो मन गुस्सा हो जाता है, वो अपने संस्कार के अनुसार बीच रहने के कारण उस स्तब्ध भाव को प्राप्त करते हैं। इसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, मन एक विषय को सामने रख करके विषय वृद्धि के माध्यम से मन को स्थिर करके वो समाधि का आनंद लेते हैं। पहले स्थूल वस्तु से धीरे धीरे सूक्ष्म वस्तु को, ये और भी कठिन अवस्था है, और मन तो स्थिर हो लगता है कि यहाँ पे तो इस आनंद को लेना चाहिए। पर ग्रंथकार बोलते हैं कि ये भी एक विषयात्मक आनंद है, वृद्धि के ऊपर आधार करके है, और फल में क्या होता है, इससे भी उत्थान होना होता है। इसलिए इस आनंद को भी निशंग प्रज्ञा वर्जित है ना, विचार पूर्वक इस प्रकार की जो मन की एक रस समाधि की रस स्वादन इस सभी मन को उठा करके निशंग होकर के अपने स्वरूप में स्थिर करें, तब क्या होता है मन में कि स्वस्थम शांतम शनि विवानम अकथम सुखमत्तम, मन जो है अपने में स्थित हो जाता है, शांत हो जाता है, विषय चिंतन करने की इच्छा नहीं करता, वहाँ पर दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाता। और इस समय जो शुभ कर्म होती होती है वो शुभ कर्म शब्द से वर्णन नहीं किया जा सकता। होता क्या है, यहाँ पे मैं ज्ञाता था, एक ज्ञान वस्तु को जानने के लिए चला था, अब ज्ञाता और ज्ञ अभिन्न रूप में एक हो गया, ना ज्ञाता रह गया ना ज्ञान रह गया, केवल ज्ञान शुद्ध रह जाता है, केवल शुद्ध ज्ञान रह जाता है। इसी को इसी स्थिति को ही ब्रह्मज्ञता पुरुष सर्वज्ञता कहते हैं, इसी स्थिति को सर्वज्ञ परिचय। तो जिस समय चित्त लय नहीं प्राप्त करते हैं, लय मतलब लय भाव भी नहीं, कषाय भाव भी नहीं, और विक्षिप्त भी नहीं होता, विक्षिप्त भी नहीं होता, और रसस्वादन भी नहीं करता, कम अगर कल उस समय अनिज्ञानम अनाभास है ना, मन में कोई विक्षिप्त नहीं है, और विषय चिंतन के साथ आभाषित होकर के मन अभिव्यक्त नहीं होता, मन उस समय स्वरूप में रहता है। इस प्रकार की स्थिति को ब्रह्म भाव कहा जाता है। यहाँ तक कल इनका जो विचार और इसके साथ जो लॉजिक ये सारा यहाँ पे दिखा करके समझा दिया, अब इसको कुछ अनुभव करते हैं, ठीक है ना। 47 तक पूरा हो गया था, अब 48 में नहीं, 48 के लिए यहाँ पे जो है उपखा दे रहे हैं टीका का, उक्ता नाम उपायानाम परमर्थ सत्य सती अद्वैत हानि। आपने तो उपाय को तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है ना, आप उपाय सत्य है कि मिथ्या है बताओ, मिथ्या उपाय के द्वारा सत्य वस्तु कैसे प्राप्त करोगे, और उपाय सत्य है तो आपका अद्वैत सिद्धांत हानि, और यदि उपाय मिथ्या है तो मिथ्या के द्वारा सत्य वस्तु कैसे प्राप्त करोगे, मामला गड़बड़ हो गया, तुम्हारा पूरा सिद्धांत ही बिगड़ गया। तो ये बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि दर्पण जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब सच है कि झूठ है, झूठ है, प्रतिबिंब पर कुछ प्रतिबिंब को देख करके बिंब का बोध होता कि नहीं होता, जैसे झूठ से भी सच का बोध होता। अच्छा स्वप्न काल में जो वस्तु आपको दिखाई देता है वो प्रातिभाषिक है कि व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक है, परंतु उससे जो शोक दुख उत्पन्न होता है वो क्या है, व्यावहारिक है कि प्रातिभाषिक है। हाँ मतलब वस्तु की सत्ता भिन्नता होने पर ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोध से ही हो जाता है ना। स्वाप्निक वस्तु प्रातिभाषिक होते हुए भी स्वप्न काल में जब हम सुख दुख को भोगते हैं वो सुख दुख प्रातिभाषिक नहीं है,
वो सुख तो व्यवहारिक सुख है, आपको शेर ने भगाया, मेरे को खाने आ रहा, आप दौड़ रहे हो आप दौड़ रहे हो, दौड़ते देता से ना आपका नींद खुली है, तो आप उस समय आपका डर की भाव अथवा थक गए हैं वो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, जैसे कि मैं व्यवहारिक होते हैं प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक काम चल सकता है। प्रातिभाषिक शब्द को देख कर डर के भागता है, डर जाता है, है नहीं वहाँ पे। इसी प्रकार से जो है हमारे सिद्धांत की हानि नहीं है। इसको उत्तर देने के लिए जो उक्ता नाम उपाया नाम परमार्थ सत्य सती अद्वैत हानि, जिन उपाय के बारे में आपने कहा, उपाय तो बहुत अच्छा लगा है ना, कि मन को धीरे धीरे निग्रह कर संपूर्णता संपूर्णता समाधि के माध्यम से स्वरूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उपाय तो अच्छा है, पर सही है कि गलत, मतलब सच्चे कि झूठ है। उपाय नाम परमार्थ सत्य, यदि पारमार्थिक सत्य होगा सती पारमार्थिक सत्य अद्वैत हानि, तब अद्वैत सिद्धांत की हानि हो जाएगा। सात नंबर टिप्पणी उपाय नाम मनोनिग्रहाधीनम है, तो सत्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनोनिग्रह करना पड़ेगा, मनोनिग्रह के लिए उपाय बताया। ठीक है, हमारे किताब में हाथ से लिखा है सब, हाँ प्रिंटिंग नहीं था, हाथ से लिखा, हाँ उपाय नाम ऊपर हाथ से लिखा, उपाय नाम के ऊपर सात नंबर लगा दिया है, आपके पुस्तक में लिखा हुआ नहीं, बना देती हूँ उसको। अन्यथा तत् अप्रमिति, यदि ये सत्य नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, मतलब प्रमा उत्पन्न नहीं होगा, प्रमिति भी उत्पन्न नहीं होगा, यदि आशंका आप इस प्रकार को शंका करते हैं तो उसको उत्तर में कहते हैं, उसको उत्तर में कहते हैं तो ये जो हमारी अगला श्लोक जो है इसका उत्तर है। अन्यथा तब अप्रमिति, यदि ऐसा नहीं मानोगे, यदि उसको सत्य नहीं मानोगे तो आपका प्रमो उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा शंका करने वाले के प्रति उत्तर देते हैं। देखिए आत्मनिप्रमिति मतलब अद्वैत अप्रमिति, अद्वैत संबंधित प्रामाणिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, है ना। और आह जीवो ही कश्चित न जायते अनादित्वा तद अतिरिक्तम तो सर्व उपायादिकम जायते एव इति असत्यम जनिमत्वात् इति न अद्वैतम हीयते इति अभिप्रायेण आह, है ना। क्या बोलते हैं, जीव ही कश्चित न, जीव नामक जो वस्तु दिखाई दे रहा है इसका कोई पारमार्थिक उत्पत्ति कभी हुआ ही नहीं, जीव नामक कोई वस्तु की पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं हुआ, अब ये जीव जब है ही नहीं, तो जीव को शिव भाव में लाने के लिए जो प्रक्रिया वो भी पारमार्थिक कहाँ से हो पाएगा, आपको सपने में दिखाई दे रहा है सर्प को मारने के लिए, आप जो है कौन सा लट्ठी लाएंगे, व्यवहारिक लट्ठी के स्वाप्निक लट्ठी, ये व्यवहारिक लट्ठी प्रयोग किया ना शुरू को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पैर में लट्ठी मार लेंगे हम, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जीव ही कष्ट ना जा रहे थे, कोई भी कभी भी जीव का उत्पन्न होना संभव नहीं है, अस्मात अनादि, उसका आदि है नहीं, उत्पन्न कहाँ से होगा, आदि है नहीं, इसलिए बोलता है तब अतिरिक्तम तो सर्व उपाय, उससे इससे जीव को छोड़ कर उपाय आदि को कहा गया है जायते एवं असत्यम, वो जो जायत रूप में एकदम जीव ही उत्पन्न नहीं हुआ तो बाकी जो जायत बोला गया है वो भी कोई पारमार्थिक नहीं बोला गया, नहीं कर सकता जनिमत्ता, क्यों हमारा सिद्धांत क्या होता है, जो पैदा होता है वो मिथ्या होता है और जो सत्य होता है वो कभी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए आत्मा सत्य है, लेकिन उसका जन्म भी दूसरे थे, इसलिए आगे बोलते हैं अद्वैत न ही, अब इसलिए हमारे सिद्धांत की हानि नहीं होता है, अभिप्राय चुको मन में रखते बोलते आप श्लोक में आगे उपसंहार श्लोक है न कश्चित जायते जीव संभवोश्च न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यम् यत्र किञ्चिन्न जायते न कश्चित् जायते जीवः संभवोश्च न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यम् यत्र किञ्चिन्न जायते।
प्रतिघ्न कश्चित जायते जीव, कश्चित जीव न जायते, कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती। हिरण्य गर्भ से चींटी का किसी का भी उत्पत्ति नहीं है। क्यों? संभव अस्य मतलब जन्म से संभव न विद्यते, इसका कोई कारण ही नहीं है उत्पत्ति के। लेकिन जो जो विभक्ति मूल उपादान के रूप में जिसको दिखाया गया है उसमें किसी प्रकार विकार अथवा परिणाम होना संभव नहीं। विवर्त से प्रगति मात्र होती है ना। संभव अस्य न विद्यते, इसका कारण ही नहीं है। यही जो है सबसे उत्तम सत्य, यही पारमार्थिक सत्य, तद उत्तम सत्य है। इसी को हम पारमार्थिक सत्य बोलते हैं। क्या पारमार्थिक सत्य बोलते हैं? जत्र किंचित न जायते, जहाँ पे किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुआ इसको देखना, किसी को उत्पत्ति नहीं होना किसी को देखना ही पारमार्थिक सत्य है। हाँ, इसको उधर मुंह कर बोलिए। नहीं नहीं, उसको नहीं खोलते, उस आवाज में ही होता है। अथवा इधर के कोई एक खिड़की को उस तरफ मुंह कर खोल दीजिए, खोल दीजिए उधर मुंह करके। हाँ ठीक है, तो जो यही है हमारी वेदांतिक मुख्य सिद्धांत, वेदांतिक मुख्य सिद्धांत यही है कि सृष्टि होना संभव ही नहीं है। पूरा के पूरा सृष्टि जो है माइक है, अतः इसीलिए इससे विवर्तवत सिद्ध होता है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण जगत की अतत्विक अन्यथा भाव, उस अपने उस भाव में रहकर ही अपने को अन्य रूप में जो दिखा देते हैं उसको बोलते हैं विवर्त। अपने में कोई परिवर्तन नहीं होते, बदल ये माया की महिमा है। तो माया शब्द किसको बोलते हैं? पहली बोलते माया से क्या लेना है आपको? हमारे यहाँ पे माया नामक कोई पदार्थ तो अलग नहीं है, माया नामक कोई पदार्थ तो अलग नहीं है। तो क्या है माया? ये अधिष्ठान तत्व के अज्ञान ही माया है, अधिष्ठान तत्व के अज्ञान ही माया है। वो प्रश्न इस अधिष्ठान तत्व के अज्ञान को ही माया बोलते हैं। देखो ये जैसे सूर्य की से प्रकाश भी होता है छाया भी होता है। सूर्य की तरफ आप देखेंगे तो प्रकाश दिखाई देगा, और सूर्य के पीछे करके देखेंगे तो आपको छाया दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की अभिभूत होकर के संसार को देखेंगे तो संसार आपको बंधन के लिए हेतु नहीं है, और परमात्मा से विभूत होकर के संसार को देखेंगे वही आपके लिए अंधकार और आवरण, वही माया की काम करता है और वही बंधन के लिए हेतु, वही बंधन के लिए। ये मुख्य सिद्धांत है वेदांत की। हमारे पास माया नामक कोई अलग वस्तु नाम अद्वैतवादी तो अद्वैतवादी है, अद्वैत पूरा उसी में खड़ा है उसी जगह पे। आप अधिष्ठान तत्व को समझो तो आपके पास कोई परेशानी नहीं, बंधन नहीं। अधिष्ठान तत्व को नहीं समझते वही हमारे बंधन के लिए हेतु होते हैं, वो भिन्न है, उसका नहीं समझ खड़े वो अलग है। जैसी वह दृष्टि हुई वहीं पर हमारा बंधन शुरू हुआ। यदि मैं दृष्टि होता यही मुख्य सिद्धांत है वेदांत के। इसलिए बताना कश्चित जायते जीव संभव अस्य न विद्यते, इसको उत्पत्ति के कोई कारण है ही नहीं। एकदम तक उत्तम सत्य, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, सबसे उत्तम पारमार्थिक सत्य यही है। क्या है? जत्र किंचित न जायते, जहाँ पर कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, जहाँ पर कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। इति गौरपादी कारिकाया अद्वैत वाक्यम तृतीय प्रकरण है। इस प्रकार से गौरपादी कारिका में अद्वैत तृतीय प्रकरण यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जो है यहाँ पे न कश्चित जायते जीव, आपका प्रतिज्ञा है, ठीक है ना। प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेतु देना पड़ेगा। तो हेतु दे रहे हैं यहाँ पे, तत्र हेतु न हो जो प्रतिज्ञा को पुष्टि कश्चित जीव, कश्चित जीव न जायते, है ना। ये जो है हमारा प्रतिज्ञा है, हेतु क्या दिया? अस्मत संभव अश न विद्यते, क्योंकि उसके कोई उत्पत्ति के कोई कारण नहीं है, उत्पत्ति के कोई कारण नहीं है। अब जो है श्लोक अक्षराणि व्याकर्तु, अभी क्या लिखा है? श्लोक अक्षराणि व्याकर्तु करो, श्लोक के अक्षर को व्याख्या करने के लिए आगे की बात को साधने हैं। सर्व अपि अयम मन निग्रह आदि, हमारा किताब में पेंसिल से लिखा है श्लोका अक्षराणि व्याकर्तु भूमिका करो, भूमिका करो, यहाँ दैट्स गुड। तो चाहे हमने पूरा अक्षर नहीं देखा, श्लोक अक्षराणि व्याकर्तु करते भूमिका करो, यहाँ पेंसिल से
उसने पेंसिल से लिखा होगा, भूमिका करो, लेकिन तो सादा शब्द नहीं लगता, श्लोक अक्षर नहीं व्याख्या करते, भूमिका करो, मैंने श्लोक अक्षर को व्याख्या करने के लिए भूमिका बनाते हैं, भगवान हंस बैठे उस श्लोक को आया हुआ है। सर्व अपि अयम, जितना आपने उपाय यहाँ पे बताया, क्या मनोनिग्रह आयत्त, तब जगह पर अद्वैत अनुभव होता है, इसलिए होता है मनोनिग्रह आदि। फिर आपने क्या बोला था, मृलोह विस्फुलिंग आदि सृष्टि या चोटित अन्न था उपाय स्व अवतार आय नास्ति भेद कथन चल। उपनिषदों में हर उपनिषदों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सृष्टि का विषय आया हुआ है, तो सृष्टि की उपयोगिता सृष्टि में नहीं है, सृष्टि की उपयोगिता सृष्टिकर्ता को बोध करना है। यानी एक हमारे पास अभी आया था ब्रह्मसूत्र में कारणत्व अधिकरण, कारणत्वेन आकाश आदि सूर्यकृष्ट होते, ऐसे सूत्र आया हुआ है। मतलब क्या है कि अलग अलग श्रुतियों में सृष्टि की अलग अलग उपाय अलग अलग बताया, कहीं पे आकाश से सृष्टि बताया तैतृय उपनिषद में, छांदोग्य में तेज से सृष्टि बताया, ऐतृय उपनिषद में अचानक में एक पानी से सब फूट उठा कर हमारे जी भर आप बोल कर उठा रहा है, फिर वेदांत उपनिषद ब्रह्म ने अपने संकल्प से बनाया, अलग अलग प्रकार की उपनिषद में अलग अलग प्रकार की सृष्टि के बारे में कथन है। इससे ये सिद्ध होता है श्रुति की सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, परंतु सृष्टि से पहले जो तत्व विद्यमान है उस तत्व को लेकर अलग अलग कथन नहीं है। कहीं पर बोला आत्मा वायदमा ग्रहाशीत नानत किंचित विषद सदैव समयदमा ग्रहाशीत एकमेव अद्वितीय ब्रह्म वैदमा ग्रहाशीत, है ना। इस प्रकार से ये अभी इस समय जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब पहले एक तत्व ही था, कहीं आत्मा बोला, कहीं ब्रह्म बोला, कहीं सत बोला, उसको लेकर के मतलब सजातीय विजातीय सगत भेद से नहीं, एक व्यापक तत्व विद्यमान है जिसको हर एक जगह पर ये कहा, परंतु उसके बाद जो अलग अलग सृष्टि के बारे में वहाँ पर भिन्नता आ गई, वहाँ पर मतलब सृष्टि में विज्ञान है और सृष्टिकर्ता में विविध कथन, विविध कथन विविध गान है, परंतु पारमार्थिक जो है वहाँ पे यदि सृष्टि पारमार्थिक हुई होती तब एक ही प्रकार की कथा होता। इससे क्या सिद्ध होता है, जो एक ही प्रकार के जिसको उपघात किया गया और सृष्टिकर्ता के बारे में, सृष्टिकर्ता को बोध कराने के लिए सृष्टि को हमने उपाय के रूप में माना, हाँ उपाय रूप में माना, सृष्टि को हमने उपाय माना, है ना। और कि उपाय तो यत्न कर्तव्य न तो उपेत्र, उपाय को देखो उसको समझ लो तो फिर उपाय अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे मांडव को कालिकाकार बोल गए, मृलोह विश्वलिंग आदि सृष्टि या चोदित अन्न था उपाय से अवताराय नास्ति भेद कथन, कहीं से मृतिका से, कहीं लोहा से, कहीं अग्नि से, इस प्रकार विश्वलिंग जैसे उत्पत्ति सृष्टि के बारे में कथन किया गया है, ये सृष्टि को समझाने के लिए नहीं है, वो तो उपाय है एक किसको कि एकत्व को बोध कराने के लिए, एकत्व को बोध कराने के लिए उपाय है, इसलिए इसको हम अधारो प्रक्रिया बोलते हैं, कार्यकरण प्रक्रिया दर्प प्रक्रिया बोलते हैं। तो मनोनिग्रहादि मन के निग्रह के बारे में उपाय बताया, फिर आपने सृष्टि के बारे में कथन किया, मेरे लोहोदि पर सृष्टि उपासना चाहते केवल इतना ही नहीं, आपने उपासना भी कुछ आपने बोलते हैं कि किसी साथी के पर तो कर्म की उपासना के बारे में भी कथन किया, उत्तम वहाँ पर क्या था उसको उत्तम अधम उत्तम उत्तम अधम उत्तम मध्य इन प्रकार के अधिकारी हैं, उस अधिकारियों को रास्ता बताने के लिए शास्त्रों में आपका आश्रमाधिविधाहीन मध्यम अधम उत्तम तीन प्रकार के आश्रम को अधिकारी को बताया गया है, उन लोगों को भी सदमार्ग में ला कर तत्व साक्षात्कार कराने के लिए शास्त्रों में कर्मों का भी विधान किया, उपासना का भी विधान किया, क्यों अंतकरण शुद्ध होकर के तत्व साक्षात्कार करना। इस प्रकार से हमने सृष्टि वाक्य की उपयोगिता, कर्म वाक्य की उपयोगिता और उपासना वाक्य की उपयोगिता पहले कथन करके आया। अब हमारा प्रश्न है सर्व अभी अयम कि जितने यहाँ पे कहा मनोनिग्रह आदि, मनोनिग्रह से लेकर के सृष्टि वाक्य अथवा उपासना वाक्य ये यहाँ पे कहा गया, मृलोहादिवत सृष्टि उपासना च सृष्टि वाक्य उक्त परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय, परमार्थ जो आत्मस्वरूप है उसकी बोध के उपाय के रूप में ये अपनाया गया है, किंतु ये पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। जिस उपाय को कहा गया है वो उपाय पारमार्थिक सत्य नहीं है, परंतु उपाय के द्वारा जिस उपाय को समझेंगे वो पारमार्थिक सत्य है। इसको समझाने के लिए पंचदश में एक बड़ा सुंदर कथा रूप में आया हुआ है। एक छोटा बच्चा को बचपन से माँ बाप डराता था, जुजू जुजू उधर मत जाओ, जुजू जुजू, बस बच्चे का मन में जुजू बैठ गया,
अब जब जुजू बैठ गया, एक दिन मम्मी ने रात हो गया तो जाऊँगा जैसे थोड़ा नहीं बया नहीं जाऊँगा क्यों जुजू बड़ा हो गया मामला बड़ा हो गया तो बोला कोई बात नहीं। तो ये संसार की डर हमारे अंदर बैठा है बचपन से ही सिखाया जब पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो पैसा कमाओ शादी करो परिवार यही तो सीखा गया और वो डर बैठा और वही भाव बैठा हुआ। अब यदि अनेक जन्म की पुण्य संचय हो तब कभी किसी माता माता पिता पर अक्षर कोई आश्रय मिलते हैं तब समझाता है अरे ये जुजू नहीं है बाहर कोई जुजू नहीं है। तो माता पिता ने सोचा कि इसको भाई जुजू का डर मिटाना पड़ेगा। तो क्या किया बोलते कि एक दिन अंधेरा की रात अगर वहाँ पे फ्लैट सिस्टम मकान है ना तो बोल दिया था आज बंद करके रखना पाँच दस मिनट के लिए। बच्चे को पहले से बोला सुनो आज हम लोग रात को जाएंगे जुजू को पकड़ेंगे मारेंगे। हाँ तो ये भयंकर विकराल रूप बनाया जैसे रावण नहीं जलाते लक्ष्मण के लिए इस बार तो कहना उनके बारिश हो गया अधिकतर जला नहीं पाए। वो क्या हुआ कि वो भयंकर विकले हो बच्चे को लेकर के निकालिए देखो जुजू उसको आज हम लोगों ने मार दिया फिर उसको खूब मारा बेटा फिर चला दिया। अब जब वहाँ पर कोई जुजू था क्या ये अधारो है और फिर उसका बवाल कर दिया चला दिया तो क्या जुजू का डर मिल गया। तो वहाँ पर ना कोई जुजू का भी था ना जुजू को मिटाया गया पंथ केवल मन में बैठा होता था मन में बैठा और उसको दिखाने के लिए ये इसलिए बोलते हैं न परमार्थ सत्य सर्व अपि अयम मन निग्रह आदि मृलोहादिपत सृष्टि उपासना च उक्ता सृष्टि वाको और उसको उपासना के बारे में कथन किया परमार्थ स्वरूप क्यों परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय देना पारमार्थिक आत्मस्वरूप की बोध के उपाय के रूप में इसको अपनाया गया है। न परमार्थ सत्य वो सब पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। अब ये चीज़ जो है ये भी आप बोलने का आप कैसे निर्णय किया ये कोई वेदांतियों ने निर्णय नहीं किया ये श्रुति निर्णय करके दिखाया ये श्रुति वाक्य है अन्य न सौम्य शुंगी न अपमूलमन निच अदभि सौम्य शुंगी न तेज मूलमन निच तेजसा सौम्य शुंगी न सन्मूलमन निच सन्मूला सौम्य इमा सर्व प्रजा सदायतना सब प्रतिष्ठा शब्द कुछ सदविद्या है ना कि कार्य को देख करके उसके कारण के अपने शंकर कार्य को देख कर उसी कारण के अपने शंकर ऐसा करते करते तुम मूल कारण में पहुंचा हो। इस कार्य कारण भाव प्रक्रिया की उपयोगिता यही है। क्या उपयोगिता है कार्य कभी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता और कार्य लय प्राप्त करते हैं तो कारण भी लय प्राप्त करते तो विचार पूर्वक कार्य को कारण में लय प्राप्त करते जाओ तो तुम सद अधिष्ठान तक पहुँचो। इसी के लिए इस उपाय को अपनाएंगे ये कार्य मतलब सृष्टि कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। पारमार्थिक सत्य क्या है तो क्या है पारमार्थिक सत्य होते परमार्थ सत्यम तो न कश्चित जायते जीव संसार में जीव न में कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति ही नहीं। जीव कौन है जो अपने में कर्तित्व भोक्तित्व का अनुभव रखा मैं ब्राह्मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ शास्त्र ने मेरे लिए इस कर्म को विधान किया इसलिए मुझे करना चाहिए बस यहीं पर शुरू हो गया हर बंधन यही सब हर बंधन शुरू होता है। जीव कर्ता भोक्ता न उत्पत्त के प्रकार है ना जीव की उत्पत्ति भी किसी प्रकार से होना संभव ही नहीं है किसी प्रकार से होना संभव ही नहीं है। अतः स्वभावतः अजस् अस् एक आत्मन संभव कारण न विद्यते नास्ति क्योंकि यहाँ पे स्वभाव से जो जन्म रहित है इस जीव जो एक है अपने से भिन्न कुछ है एक अभी बहुत तब सजातीय विजातीय भेद और स्वगत भेद से नहीं जिस प्रकार के तत्व है उसके संभव मतलब कारण उसकी उत्पत्ति संभव मतलब कारण उत्पत्ति के कारण न विद्यते नास्ति है उसके उत्पत्ति के कारण कुछ है ही नहीं। दो निगेटिव हो गया ना न विद्यते नास्ति इसका अर्थ लिख रहे हैं न विद्यते का अर्थ लिख रहे हैं नास्ति न विद्यते मूल में है देखिए संभव अस्य न विद्यते उसका अर्थ लिख दिया भगवान भाषा नास्ति उसका अर्थ लिख तो अतः वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है ठीक है आते को ऊपर अतः जब तो ना विद्यते तो ना उत्पत्ति क्योंकि कोई कारण है ही नहीं उसके पीछे उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी क्योंकि कारण किसको बोलते हैं कार्यस्य नियतम पूर्व वित्तम कारण ये आपका परिभाषा है। अब जीव भी यदि कोई कार्य होगा तो उसको पहले कोई ना कोई कारण रूप में विद्यमान होना चाहिए तथा उसके पहले कभी कारण रूप है नहीं इसीलिए उसको उत्पत्ति होना भी संभव नहीं। यस्मात् न विद्यते अस्य कारणम तस्मात् न कश्चित् जायते जीव इति अर्थः क्योंकि उसका उत्पत्ति करने के लिए कुछ कारण नहीं है इसलिए जीव की उत्पत्ति होना भी संभव नहीं है।
तस्मात् न विद्यते अस्य कारणं, क्योंकि इसको उत्पत्ति के कारण नहीं है। तस्मात् न कश्चित् जायते जीव, इसलिए कोई जीव की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है। इति एतदि इसके परमार्थी सत्य। दो नंबर की उपनिषद संभव कारणं न विद्यते, संभवति अस्माद् इति संभव है ना, कि जिससे संभव रूप से होता है उसको संभव बोला जाता है। संभव संभवति अस्माद् जिससे, अतः इससे जो संभव रूप से अभिव्यक्त होता है उसको होता है संभवतः कार्य। इस प्रकार मृतिका से घरा संभव रूप से अभिव्यक्त होता है, इसीलिए मृतिका हो गया घरा का संभव कार्य। फिर आगे बोलते हैं पूर्वेशु उपायत्वेन उक्ताना, इसको पहले है ना स्थिति को समझने के लिए उपाय रूप में जिसको कहा गया है पूर्व पूर्व अधिकरण मंत्र श्लोकों में, पूर्वेशु उपायत्वेन उक्ताना सत्याना, जो वहाँ पे व्यवहारिक सत्य है, उन सत्यों में एक उत्तम सत्य सबसे अच्छा सत्य तो ये है। तो क्या है, साधन करके मुक्त हो जाऊंगा ये व्यवहार ठीक है, ये भावना इससे उत्तम सत्य है। क्या, अरे मैं नित्य मुक्त हूँ, क्या साधन करूँगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, शरीर मन बुद्धि ये बंधन के हेतु होते हैं, मैं इस शासन को एक पूर्ण व्यापक करता हूँ, इससे अलग हूँ। शरीर के मेरा बैठने के लिए कुछ है, कुछ कुछ कर्म कराना है भगवान के शरीर से, इसीलिए उस शरीर से कर्म होता है मेरे साथ कुछ। ये भाव यदि आ जाता है तो फिर कोई साधन की आवश्यकता नहीं। रामकृष्ण देव इसको बोलते थे नित्य जीव, वही लोग दो उदाहरण दे देते नारद और सुखदेव, सुखदेव नित्य जीव और उसके बाद है मुक्त जीव, वो लोग साधन करके मुक्त हो, एक मुमुक्ष जीव जो चेष्टा कर रहा है, अरे ज्यादा से ज्यादा बड़ी भक्ति है बद्ध जीव। पांच प्रकार के जीव है, पामर मुमुक्ष मुमुक्ष जीवन मुक्त और आधिकारिक पुरुष, जीवन मुक्त आधिकारिक नित्य आधिकारिक नित्य मुक्त, जैसे आप आज सुबह जय भरत बोल रहे थे उसका मुक्त था, पूरा सारा ज्ञान था, कुछ शरीर का कुछ भोग बचा हुआ था, अथवा मतलब साधन करते समय कभी कुछ भोग इच्छा हुई थी तो मुक्त हो गया, ज्ञान पूरा रहेगा। भगवान कुछ दिन उनको उससे कुछ काम करवा लेते हैं कि पहले कुछ इच्छा चलो इसको भी इच्छा भी करवा। तो अब यहाँ भी इसलिए बोलते हैं कि पूर्वी उपाय तेना उत्ताना सत्यानाम उत्तम सत्य सत्यानाम प्रतिपत्ति में, अच्छा सत्य प्रतिपत्ति उपाय तेना उपचारा तत्व सत्यत्व, क्योंकि सत्य वस्तु के बोध की उपाय के रूप में उसको अपनाया गया है, इसलिए वहाँ भी सत्यत्व होगा, वो सत्यत्व औपचारिक सत्य, सत्य वस्तु को बोध करवाने के लिए उपाय के रूप में जिसको अपनाया गया है वो भी कोई सत्य वस्तु ही होगा। ऐसा जब कोई कहते हैं तो बोलते हैं औपचारिक सत्य है, तो औपचारिक सत्य से बोलते हैं कि सत्य प्रतिपत्ति उपायत्ते न उपचार आप उसको गौरव रूप में कहने का तत्व सत्यत्व, वहाँ भी सत्यत्व जो है इसको मान्य करना होगा दिया जाता है। सत्यानाम एक उत्तम सत्यम, ये सबसे अच्छा सत्य है, इसलिए विगत वेदांत में तीन सत्ता को मानते हैं, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिमासिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में कोई उत्पत्ति अभी नहीं होना संभव ही नहीं, पारमार्थिक से ये उत्तम सत्य है। फिर व्यवहारिक सत्ता में भेद है, व्यवहारिक सत्ता है और ये पारमार्थिक सत्ता एक रहेगा कि व्यवहारिक सत्ता अलग करने से कोई सिद्धांत में हानि नहीं होता, कुछ सिद्धांत में हानि नहीं होती। देश प्रदेश में अल्लाह को सपना देखा था कि राम जी जो है आज क्लास में नहीं आए, बीमार पड़ गए हों तो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हमारे स्वप्न में और आप आज के आपके आना में कोई विरोध हुआ गया, कि वो प्रातिभाषिक व्यवहारिक ये प्रातिभाषिक विरोध नहीं है, इसी प्रकार से पारमार्थिक सत्ता जो ऑल टाइम हमेशा एक देन व्यवहारिक सत्ता जो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और प्रातिभाषिक सत्ता जिसकी प्रतीति मात्र है कोई सत्ता नहीं है, प्रतीति मात्र है कोई सत्ता नहीं है। उत्तम सत्य जिसमें सत्य स्वरूप जिस सत्य स्वरूप में ब्रह्म ने अणुमात्र थोड़ा सा भी किंचित न जाए तो वहाँ पे हर अवस्था में कोई चीज उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, क्यों वो सजातीय विजातीय सतत भेद से नहीं एक अपरिच्छिन्न व्यापक तत्व है,
है ना, परिचय व्यापक करते हैं। इसलिए जायते जायते मतलब परमार्थ के विषय, पारमार्थिक दृष्टि से कोई उत्पत्ति होना संभव नहीं है। गंधारू प्रक्रिया में उत्पत्ति हम दिखाते हैं, फिर निषेध भी कर देती है सूर्य, ये हो जाते हैं। इसका भाष्य भी पूरा हो जाते हैं टीका में, देखते हैं किसी गोविंद भगवत पूज्य पात्र परमंश परिव्राजकाचार्य शंकर भगवत कृत गौरवादीय भाष्य आगम शास्त्र विवरण अद्वैत अकम तृतीय प्रकरण भाष्य समाप्त। अब टीका में आगे देखिए, टीका का क्या बोलते हैं, श्लोक अक्षराणी व्यापत्व भूमिका करोति सर्वाधि पढ़ लेते हैं। व्यवहारिक सत्यत्व एवं उपायाना न परमार्थ सत्यत्वम इति अंगीकृत्य सृष्टि पारमार्थिक सत्यस्य प्रतिपत्ति उपायत्वेन एव उक्ता इति आह। ठीक है, देखिए व्यवहारिक सत्यत्वम एवं उपायाना, इस उपायों में क्या सत्य, इस प्रकार की सत्यता है, व्यवहारिक सत्यत्व पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, है ना। व्यवहारिक सत्यत्वम एवं उपायाना न पारमार्थिक सत्यत्वम, है ना, एक सेंटेंस पूरा हो गया। इति अंगीकृत ऐसा मान्यता देकर, है ना, सृष्टि को कहा गया कि सृष्टि पारमार्थिक सत्य से, इसलिए यह सृष्टि क्या है, व्यवहारिक सत्य सृष्टि पारमार्थिक सत्य को बोध कराने के लिए उपाय है। कभी भी कोई भी एनर्जी हो जो नहीं देखा जाता है, उस एनर्जी को समझाने के लिए आपको कोई ना कोई उपकरण को लेना ही पड़ेगा। आपको हीट क्या, हीट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, तो इसको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा का हीट क्या है समझाओ तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोई एक द्रव्य को लेकर के ताप प्रदान करके फिर उसको पकड़ो, देखो हीट क्या है, बिजली क्या है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कोई उपकरण लगा जिसके रहने कारण चल पाते हैं, लाइट क्या है जिसके रहने के कारण ना धूलीकण को दिखाई पड़ते हैं, लाइट नहीं दिखाई पड़ता है, लाइट के द्वारा प्रकाशित धूलीकण दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार किसी भी जो एक विज्ञान भी दिखाएगी, किसी भी जो शक्ति होती है, है ना, उसको समझाने के लिए कोई ना कोई उपकरण का आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा क्या है, एक पूर्ण शक्ति है, पूर्ण सभी शक्ति को समर्थन मतलब समर्थ देने वाली, उसको समझाने के लिए भी हमें कोई ना कोई उपकरण का सहारा लेना पड़ता है। उपकरण के ही उपाय है इस शरीर, शरीर अपनी सृष्टि के इसको बता करके इसके माध्यम से इसको समझाते हैं। इसलिए व्यवहारिक सत्यत्व एवं उपाय न पारमार्थ सत्यत्व की अंगीकृत सृष्टि पारमार्थिक सत्यस्य प्रतिपत्ति उपाय, यानी सृष्टि को यहाँ तो अंगीकृत पद कोमा कर देना, मान्यता देकर के सृष्टि पारमार्थिक सत्यस्य प्रतिपत्ति उपाय तेना, सृष्टि पारमार्थिक सत्य की बोध के उपाय के रूप में एवं उक्त सृष्टि कथन की आवश्यक मन में रखते हुए ब्रिलोहादिवत सृष्टि उपासना च उक्ता परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय पारमार्थिक सत्य की तो उसमें ना ये जो टीका है ना व्यवहारिक सत्यत्व एवं उपाय आना न पारमार्थिक सत्यत्व इति अंगीकृत इस प्रकार मान्यता दे करके है ना सृष्टि पारमार्थिक सत्य अंगीकृत का बात कौन परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय पारमार्थिक सत्य स्वरूप आत्मा को बोध कराने के उपाय के रूप में अपनाया गया, परंतु उसमें पारमार्थिक सत्य नहीं है, न पारमार्थिक सत्य सृष्टि न पारमार्थिक सत्य। अच्छा यदुक्तम मनोनिग्रहादीना परमार्थत्वे द्वैत हानि इति तत्र, ये जो आपने कहा क्या, यदि मन जितना आपने उपाय को बताया वो उपाय यदि पारमार्थिक सत्य वस्तु होगा तो आपका अद्वैत सिद्धांत की हानि, यदि उपाय पारमार्थिक सत्य वस्तु होगा तो क्या हो जाएगा अद्वैत सिद्धांत का। यदुक्तम मनोनिग्रहादीना मनोनिग्रह आयत्तम है, तो वो जो आपने कहा परमार्थत्व परमाहुति पारमार्थिक सत्य वस्तु होगा तब हो जाएगा द्वैत सिद्धांत की हानि हो जाएगा मन में कहते न परमार्थ सत्य, ये कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, ये प्रतिभाषी क्या है, प्रतिभाषी प्रकृति मात्र हो। फिर आगे टीका तेषाम
अपरमार्थक के कथम अद्वैत प्रतिपत्ति, यदि वो पारमार्थिक नहीं है तो पारमार्थिक अद्वैत वस्तु की बोध कैसे होगा, पारमार्थिक अद्वैत वस्तु की बोध प्रतिपत्ति कैसे होगा। तेषाम अपरमार्थक के कथम अद्वैत प्रतिपत्ति, यदि वो उपाय यदि अपरमार्थिक है तो उसके द्वारा उपयोग मतलब कैसे पारमार्थिक हो सकते हैं, कथम अद्वैत प्रतिपत्ति अद्वैत का बोध कैसे हो सकता है। इतनी न ऐसा भी शंका नहीं करना चाहिए, है ना, इतनी न मतलब इस प्रकार शंका भी नहीं करना चाहिए। क्यों, व्यावहारिक सत्यानाम अपनी तत्प्रवृत्ति हेतु तस्य, व्यवहारिक शब्द वस्तु के द्वारा भी उसका प्रवृत्ति हो जाता है, जिस वस्तु को आप समझाना चाहते हैं उसका बोध उत्पन्न हो जाता है। व्यवहारिक सत्ता नाम अभी तत्प्रवृत्ति हेतु तस्य, व्यवहारिक शब्द वस्तु भी आपका पारमार्थिक शब्द वस्तु की प्रवृत्ति के लिए हेतु बन सकता है। व्यवहारिक शब्द वस्तु भी पारमार्थिक शब्द वस्तु के लिए हेतु बन सकते हैं बोध के लिए। ये देखिए ये शास्त्र भी व्यवहारिक शब्द है, वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार अपने आप श्रुति बोलती है अत्र वेद अवेदा भवति, इस अवस्था में आकर के वेद निर्मित हो जाता है, अवेद हो जाता है। मान लीजिए इसको ऊपर पेंसिल से पांच नंबर टिप्पणी व्यवहारिक शब्द नाम अभी तत्प्रमिति हेतु तस्य दृष्टांत क्या दिया, प्रतिबिंबवत, इस प्रकार प्रतिबिंब को देख करके ही हमारे प्रतिबिंब वाक्य बदली है, जो आपको अभी करना है ना क्या पंचपति का प्रतिबिंब वाक्य प्रतिबिंब का क्या होता है, प्रतिबिंब को देख करके बिंब स्पष्ट समझना आ जाता है। कैसे प्रतिबिंब देखिए, कहाँ देखेंगे प्रतिबिंब, अपने शुद्ध अंतकरण चैतन्य के लिए प्रतिबिंब, उस चैतन्य के प्रतिबिंब को देख करके आप शुद्ध चैतन्य पर चैतन्य का बोध कर पाएंगे। इस प्रकार देखो ये जो हमारा ये यही प्रक्रिया का तो अपनाया गाड़ी में, जो अच्छे ड्राइवर होते हैं ना वो जो पीछे ग्लास रहता है कौन गाड़ी आ रहा है कितना पीछे है कितना देख सब उसको पता लग जाता है ना। इसी प्रकार से हमें प्रतिबिंब बात के ही उपयोग किया, व्यवहारिक सत्य नाम व्यवहारिक सत्य नाम अभी तक प्रमिति हेतु तस् प्रतिबिंब उपपत्य प्रतिबिंब के समान ये भी व्यक्ति संकट हो जाता है। इतिहाव यहाँ पे जो पाँच नंबर टिप्पणी दिखाता है व्यवहारिक सत्य तेन एवं व्यवहारिक सत्य यहाँ एक अनुमान दे रहे व्यवहारिक सत्य से क्या हो जाएगा, व्यवहारिक सत्य तो पारमार्थिक उपाय परमार्थ संत अनुमान करें व्यवहार काल अबाध्यवा ब्रह्मवत इति अनुमान उससे क्या हो जाएगा, मतलब उपाय में भी पारमार्थिक सत्यत्व आ जाएगा, उपाय में भी पारमार्थिक सत्यत्व आ जाएगा, आपको अद्वैत सिद्धांत की हानि हो जाएगी। अनुमान दिखा रहे उपाय परमार्थ संत उपाय सब परमार्थ संत प्रथम भोजन है सब का संत उपाय सभी पारमार्थिक सत्य वस्तु है। क्यों, व्यवहार काल अबाध्यत्वात् उपयोग काल में बाधित नहीं होता, व्यवहार काल अबाध्यत्वात् जैसे ब्रह्मवत बाधित नहीं होता। आप देखिए इस अनुमान में दृष्टान्त क्या है, ब्रह्म पक्ष हो गया उपाय शांत हो गया परमार्थ सत्य और व्यवहार काल अबाध्यत्वात् हो गया हेतु और दृष्टांत हो गया ब्रह्मवत। आप देखिए दृष्टांत में आपका व्यवहार काल अबाध्यत्व रूप हेतु बैठा हुआ है, दृष्टांत में हेतु बैठा है और सत्य साध भी बैठा हुआ है पर उस परमार्थ सत्य वस्तु है। अनुमान सही है कि नहीं है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दृष्टांत में हेतु और साध है कि नहीं है देखना पड़ेगा और फिर पक्ष में आपका हेतु बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, दृष्टांत हो गया ब्रह्मवत है ना, ब्रह्म के समान यहाँ पे व्यवहार काल अबाध्यता ये होगा हेतु, ब्रह्म व्यवहार काल में कभी किसी भी काल में बाधित अबाध्यत्व तो ब्रह्म में बैठा ही हुआ है और इसलिए वो पारमार्थिक सत्य वस्तु है, ठीक है ना, ये हेतु और शांत दोनों ब्रह्म में बैठ गया। अब जो है उपाय व्यवहार काल में बाधित नहीं होता इसलिए उपाय भी पारमार्थिक सत्य होना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ववादी का अनुमान है, ये पूर्ववादी का अनुमान है, आप सिद्धांत इसका उत्तर देंगे। तो व्यवहार का व्यवहारिक सत्यानाम अपि तत्प्रमिति हेतु तस्य प्रतिबिंब उपपत्ति भाव टीका में भी उपायानाम व्यवहारिक सत्यत्वेन एव पारमार्थिक सत्यत्व किम न सत्, उपाय व्यवहारिक सत्य के कारण में पारमार्थिक सत्य भी होगा क्यों नहीं हो सकता है, अब व्यवहारिक सत्यत्व की मान्यता दे रहे हैं पारमार्थिक सत्य होगा ये इस अनुमान के द्वारा, इस अनुमान के द्वारा पारमार्थिक सत्यत्व उपायानाम व्यवहारिक सत्यत्वेन पारमार्थिक सत्यत्व में जो वहाँ पे जो है सत्यत्व किम न सत क्यों नहीं हो सकता है, ये व्यवहारिक सत्ता नाम ना वहाँ पे व्यवहारिक सत्ता नाम वहाँ पे पांच नंबर टिप्पणी नहीं होना चाहिए,
पांच नंबर टिप्पणी यहाँ पे होना चाहिए, व्यवहारिक हाँ उपायानाम व्यवहारिक सत्यत्वेन कहाँ पे है आपके पुस्तक में? उपायानाम सेकंड लाइन हाँ उपायानाम व्यवहारिक दोनों में पांच लिखे क्या दिखा रहे व्यवहारिक सत्यत्वेन एवं व्यवहारिक सत्यत्वेन एवं किस किस लाइन पे है? सेकंड लाइन पे व्यवहारिक सत्यत्वेन एवं, इसलिए वही पे टिप्पणी होना चाहिए, पहले के ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब तक तब लग जाएगा। तो व्यवहारिक सत्य होने के कारण ही वो पारमार्थिक सत्य को उसको मानना चाहिए। इस प्रकार से पूर्वज जब शंका उठाते हैं तब बोलते हैं देखो आपका इस अनुमान में एक उपाधि दोष है। उपाधि दोष मतलब व्यक्ति और सिद्धि है, व्यक्ति शब्द व्यापक सिद्धि साधन व्यापक है। उपाधि लगना कि नहीं लगा ये देखने के लिए हम सब अत्यंत सरल उपाय है। दृष्टांत में उपाधि बैठ जाना चाहिए और पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, दृष्टांत में बैठना। क्योंकि दृष्टांत में साधु हिंदू है तो साधु व्यापकत्व हम सिद्ध हो जाएगा और साधन व्यापकत्व मतलब जहाँ जहाँ पे आपका पक्ष में हेतु है और वहाँ पे वो नहीं बैठना चाहिए, अब व्यापक हो जाएगा उसका। इसलिए आप देखो दृष्टांत है ब्रह्म छः नंबर टिप्पणी में आहो उक्ता उक्त अनुमान अनादि रूप उपाधि मतम अभिप्रेत आहो, इस आपका इस अनुमान में अनादित उपाधि है। तो ब्रह्म में अनादि तो धर्म बैठे होगा, ब्रह्म अनादि है। षट अस्मकम अनादय जीव ईश विशुद्धाति जीव ईश्वर विद अविद्या तत्चिति जो षट अस्मकम अनादय छः हमारे अनादि है। तो ब्रह्म में अनादित्य तो बैठ जाएगा। और उपाय अनादि है कि आदि शादी है? शादी है, उपाय तो अपने अपना है। तो यानी कि जो अनादित्य उपाधि आपका दृष्टांत में बैठ गया और पक्ष में नहीं बैठा, तो यही जो है उपाधि लगने की। अब देखिए अब देखिए अब मतलब उपाधि से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका व्यक्ति में असिद्ध है, उस अनुमान में व्यक्ति क्या है? जो यत्र यत्र व्यवहार तत्र तत्र परमार्थ सत्यत्व यही तो है। इस अनुमान में उपाय परमार्थ सत्य व्यवहार काल बाध्यत्व अबाध्यत्व ठीक है ना, व्यवहार काल अबाध्यत्व। तो मतलब जो व्यवहार काल में बाधित नहीं होता वो पारमार्थिक सत्य है, ये बोलना चाहता है। जहाँ जहाँ व्यवहार काल अबाध्यत्व वहाँ पारमार्थिक सत्य है। मतलब बोलना ये व्यक्ति नहीं है, जो अनादि होता है वो पारमार्थिक सत्य होता है, जो अनादि होता है वो पारमार्थिक सत्य होता है। आपके भी व्यक्ति में सिद्धि, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आप यहाँ पे उपाधि लग गए। तो उपाधि लगने के कारण अच्छे उपाधि से क्या होता है? साधम अभाव व्यक्त मतलब हिंदू हमसे साधम अभाव सिद्ध हो जाता है। उपाय में आपका अब क्या बोलते हैं अनादि तो नहीं बैठा है, फल तो पारमार्थिक सत्य भी नहीं होगा, वो पारमार्थिक सत्य भी नहीं होगा। ये सिद्ध करने हैं हमको, छोटा प्रक्रिया इतना है इसके अंदर है ना। परंतु छोटे में बता देते हैं उक्त अनुमान अनादि रूप उपाधि मतम अभिप्रेत मत अभिप्रय, यदि आप उसका प्रक्रिया को नहीं भी समझेंगे, एक अनादि शब्द कहा उसको नित्य मत पारमार्थिक सत्य मानता है जो अनादि है, जो उत्पत्ति विनाशील होता है वो नाशवान, यही हमारी मिथ्या की परिभाषा है। मिथ्यात्व की परिभाषा भी यही है। इसीलिए आप ये बोलते हैं कि तत्र आहो उसको उत्तर में उक्त अनुमान कौन सा अनुमान उपाय परमार्थ संत व्यवहार कलाबाध्यत्व ब्रह्मवादी अनुमान में एक उपाधि दोष है, मतलब व्यक्ति में अशुद्धि है। व्यक्ति अशुद्ध में क्या इसके साथ व्यक्ति होगा? अनादित्य के साथ व्यक्ति, तत्र तत्र अनादित्य तत्र तत्र परमार्थ सत्यत्व, यत्र यत्र अनादित्य तत्र तत्र पर ही हमारे यथार्थ व्यक्ति है। मतलब उपाय कोई पर मतलब अनादि नहीं है, उपाय तो सब आदि है, तो अपना उपाय का अपने फल को पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, तो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। अब इसी को ऊपर देखिए यहाँ पे बोलते हैं परमार्थ सत्य तो न कश्चित जायते जीव, पारमार्थिक सत्य क्या स्थिति है? कोई जीव की उत्पत्ति होना पारमार्थिक संभव ही नहीं है। जीव क्या वस्तु है? जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप ही हमारा जीवन है। कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि हम छोड़ सकते तो हमारा जीवन तो नहीं जाए, नहीं जाए, यही यही है कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा जीवन की। इसलिए बोलते हैं न उत्पत्ति के न चित भी प्रकार है, किसी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। कि तदेव स्पष्ट यदि मतलब जीव की कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आप बताए ना, ये वास्तविक जीव में है नहीं, आपने बुद्धि के द्वारा आरोप किया। तदेव स्पष्ट नंबर टिप्पणी वस्तु तो जीव से अनुत्पन्न तमेव, जीव में उत्पत्ति होना पारमार्थिक संभव ही नहीं है, कल्पना से वो अपने आप मनोकल्पित राज्य में उत्पत्ति होगा कि व्यवहार करते रहते हैं।
कर्ता भोक्ता न उत्पद्यते केन चित अभिप्रकरण, किसी प्रकार से इसको उत्पत्ति होना संभव नहीं है। स्वभावत अजत हेतु कर्तव्य है ना, तो मतलब उत्पत्ति क्यों नहीं होगा, जीव की उत्पत्ति क्यों होना संभव नहीं है, क्योंकि इस बाय इट्स वेरी नेचर इट इज अनबॉर्न बर्थलेस, यही हेतु है। क्योंकि शास्त्र है जब तो अजो नित्य शास्त्र तो अयो पुराण का अन्न के अन्न मानस है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य है वो, इसी को शास्त्र विषय बताए। स्वभाव तो अजत्तम हेतु, हेतु मुख्य रूप से क्या है, पारमार्थिक दृष्टि से और जन्म रहित है। अब ये पहले ये हो गया फर्स्ट हेतु, क्योंकि जीव स्वरूप तो जन्म रहित है। तत्व में हेतुअंतर वहाँ पे एक हेतुअंतर और भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसका उत्पत्ति के पीछे कोई कारण भी नहीं है, उसके पीछे और भी कारण नहीं दिखाया गया। यदि किसी कार्य के पीछे भी कारण को दिखाता तब हम उसका उत्पत्ति मानते, परंतु उसके पीछे आत्मा के पीछे व ब्रह्म के पीछे कारण रूप में किसी को नहीं दिखाया गया है, उसी को मूल कारण, परंतु किसी का कार्य नहीं, उसका कार्य नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि तत्व में हेत्वांतर भावत स्वभाव तो अजस्व अस्य एकस्य आत्मन संभव मतलब कारण न विद्यते मतलब नास्ति। हेत्वांतरम एव स्पष्टयति, ये हेत्वांतर दिया, क्या हेत्वांतर दिया कि उत्पत्ति के पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसी को मूल कारण कहा गया, उसके पीछे और कोई तत्व को नहीं दिखाया गया, उसके पीछे और कोई तत्व को नहीं कहा गया जिससे उसकी उत्पत्ति हो सके। शिव जी के बाप कौन है वो, तो आप तो शिवरात्रि मनाते हैं, क्या मनाते हैं, शिव जी का जन्मदिन है क्या वो, शिव जी का जन्मदिन नहीं है वो तो शिव जी को उपासना के लिए नहीं, उसको सुनते प्राप्त मतलब जिसको कोई शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, जिसको शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसका जब शिव ये परम कल्याणकारी तत्व जो होगा ना वो जन्म नहीं थी, कल्याणकारी कर्म वही है जहाँ पे जन्म हुआ। तो शिवरात्रि जो मनाता वो पूजा उपासना तो उनका जन्मदिन नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जन्म मृत्यु सबसे अकल्याणकारी है, जन्म मृत्यु का कल्याणकारी है, क्योंकि यही भगवान दिन का रोग है, इससे मुक्त होने के लिए शीर्ष कल्याणकारी तत्व तो क्या है कि जन्म नहीं होना, इसलिए और कुछ न हो कम से कम भगवान से निरंतर प्रार्थना करना पुनर्जन्म दुखा परिचय शंभु, पुनर्जन्म है पुनर्जन्म दुखा परिचय शंभु, ये सबसे कल्याणकारी है। जब तक उसके पीछे निमित्त हमारा ही वासना है, यदि बार बार आप उसको बोलेंगे तो आपका मन में हमेशा जगेगा वासना से नहीं तो नहीं तो नहीं होगा, यही तो लक्ष्य है हमारा, बार बार इस चीज को जो है भगवान से प्रार्थना करते करते वासना भी अपने आप जाएगा तो हो जाएंगे। तत्व हेतुअर आयुष विषय हेतु, अतः संभाव स्वभाव स्वभाव तो अजस्व अस्य एकस्य जन्म से रहित, ये जो सजातीय विजातीय व्यक्तिगत भेद से रहित आत्मन आत्मा का संभव मतलब कारण अपना इसको उत्पत्ति के कुछ भी कारण नहीं रहता है। इसी में हेतुअंतर में स्पष्ट है कि यस्मात न विद्यते अस्य कारण, क्योंकि इसको उत्पत्ति करने के कुछ भी कारण नहीं रहता, इसलिए इसको उत्पत्ति नहीं, इसलिए इसको उत्पत्ति नहीं, इसके शिव तत्व की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि उसको उत्पत्ति के पीछे भी कारण नहीं है। यस्मात् न विद्यते अस्य कारण तस्मात् न कश्चित् जायते जीव, इसलिए किसी भी प्रकार से जीव की उत्पत्ति मानव संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तत्व इसका भी प्रकार है। फिर बोलते हैं उत्तरार्थम व्याचष्टे तदेव स्पष्ट वस्तु जीव समुत्पन्न, सात नंबर टिप्पणी तदेव स्पष्ट यदि वस्तु तो जीव से अनुत्पन्न तब जीव की उत्पत्ति होना संभव है, उसको स्पष्ट करके कहेंगे। उत्तरार्थम व्याचष्ट श्लोक उत्तरार्थ क्या है, एक तक उत्तर ये वही यही सबसे उत्तम सत्य है, ये वही सब उत्तम वही क्यों बोला जो मैं प्रतिज्ञा करके आया था अपवक्ष में आकार बनना, यही सबसे उत्तम सत्य है। एक तक मतलब ये क्या है जो जन्म नहीं होना, तब मतलब जो मैंने प्रतिज्ञा किया था ये तत्व उत्तम सत्य में वही उत्तम सत्य है, जब तक चिन्ना है यहाँ पे कुछ किसको उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं पूर्वेशु उपाय तेन उक्तानाम सत्यानाम, इसके पहले उपाय के रूप में तीन सत्य का कथन साधनों के बारे में कथन किया गया है, वो साधन में तद इत उत्तम सत्य उसमें ये सबसे अच्छा सत्य है, क्या सत्य है जिसमें सत्य स्वरूप ब्रह्म, जिस सत्य स्वरूप ब्रह्म में कोई चीज को उत्पत्ति होना संभव, व्यापक असंग मुझ में सृष्टि होना संभव नहीं है ना, ब्रह्म सुन व्यापक असंग मुझ शुद्ध चेतन मुझ में कोई सृष्टि को उत्पत्ति होना संभव नहीं है ना, इस प्रकार से भाव में ब्रह्म मंत्र किंचित न जाए किसी मुस्ते को उत्पत्ति होना संभव नहीं है।
अब जो आप बोले थे ना पूर्वेशु, पूर्वेशु मतलब पूर्वेशु ग्रंथेशु, इसके पहले ग्रंथ भाग में जो उपाय के बारे में कथन किया गया है, शिष्ट के बारे में कथन किया गया है ना, इस प्रकार के ग्रंथ में इसलिए बोलते हैं कि पूर्वेशु ग्रंथेशु इति शेष आठ नंबर ग्रंथेशु श्लोक रूपेशु, जो कार्य का रूप में जो भी आया हुआ है उन कार्यक्रमों में, ये जो है आपको जो हमने पहले कथन करके आया कि देखो ये उपाय है, इन सभी उपाय में श्रेष्ठ उपाय ये है, सभी उपाय में श्रेष्ठ उपाय क्या है, संप्रदाय आचार्य की प्रक्रिया हर जगह एक ही है, उपाय कितना उपाय बताया, युद्ध करो मन मन में लगाओ, फिर बाद में क्या बोलते हैं भगवान, सारा धर्म कर्म सब धर्म, इसलिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है, परंतु कुछ करके शुरू से छोड़ देकर संस्कार नहीं जाएगा। अब जब निश्चय हो जाएगा कि अरे आत्मा में तो उत्पत्ति नहीं हुआ, ये करना थरना सब शरीर की अगर मिथ्या वस्तु है, आत्मा में तो कोई करना संभव ही नहीं, कोई क्रिया नहीं है, इस भाव आने पर अशुद्ध शुद्ध अपने भाव में बैठ किसी को कर्म संकल्प नहीं करना, संकल्प को हमार कामान कर्म सर्वना से तब जाकर के सत्य सिद्ध इति इति शब्द भगवान का क्या बोला न किंचित न जायते इति, यहाँ पर इति शब्द अद्वैत प्रकरण परिसमाप्ति बोधयति, अद्वैत प्रकरण के परिसमाप्ति को प्रकाशक है इति शब्द है ना, इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री आज शिशुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचितायाम गौरपाद कारिका भाष्य टीकायाम अद्वैत कम थी प्रकरण संपूर्ण समाप्त संपूर्ण को प्राप्त किया, इस प्रकार से श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य हरि आनंद गिरि के गुरु जी का नाम शुद्धानंद बोलते बाद शिष्य फिर आनंद गिरि आनंद उनका लिखा हुआ है, ये पुस्तक श्री बात में लिखा पूज्यपाद शिष्य भगवत आनंद गाने के लिए लिखाया उनका गौरवपाद कारिका भाष्य टीका है, गौरवपाद कारिका तो भाष्य और टीका के ऊपर, भाष्य के ऊपर भी टीका है ना, भाष्य टीका मूल के ऊपर भी टीका, कारिका के ऊपर भी टीका लिखा है, इसे लिखाया अद्वैत आकम तृतीय प्रकरण समाप्त, तृतीय प्रकरण संपूर्ण। टिप्पणी करते कि क्या लिखते हैं कि श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य स्वामी गोविंदानंद गिरि पूज्यपाद शिष्य है ना, ये विष्णुदेवानंद गिरि जी इनका गोविंदानंद गिरि गोविंद यहाँ का नहीं है, गोविंदानंद गिरि कैलाश परंपरा का ही है, बारह साल में वृंदावन के ऊपर टीका टिप्पणी है, बारह साल का इसलिए स्वामी गोविंदानंद गिरि पूज्यपाद शिष्य विद्या वाचस्पति उनका उपाचक था, स्वामी विष्णुदेवानंद गिरि विरचितायाम विष्णुदेवानंद स्वामी जी के रचित है गोविंद प्रसाद ने आखर देखो ये टिक्का का नाम क्या है टिप्पणी का गोविंद प्रसाद गुरु की कृपा से प्राप्त होगा ना गुरु प्रसन्न का सदा गोविंद प्रसाद ने आखर टिप्पण्याम टिप्पणी में अद्वैत नाम तृतीय प्रकरण संपूर्ण है ना, अद्वैत जो मिल रहा है वो अपना गुरु को शरण कर गुरु को शरण कर हर आदमी अपना गुरु को शरण उन्हीं को समर्पित करते हैं उसी के नाम पे रखते हैं अपने आप को नहीं, ये सब लेख जो है ना हमको लगता है कैलाश प्रकाशन के समय दशम पीठाधीश में ये सब लिखा है, ये तो उन्होंने तो पढ़ते समय अपने पुस्तक में गुरु जी पढ़े थे हाथ में छोटा 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 वो पुस्तक अभी भी कैलाश में उपलब्ध है तो वहाँ के हाथ में छोटा छोटा करके लिखते थे, मंडेश्वर जी आने के बाद दशम पीठाधीश आने के बाद उसको देख करके बुलाने के लिए वेदांत के लिए अमूल्य धन है, बनारस में पठन पठन करते थे ना उनके लिए बहुत ही अच्छा था तो प्रकाश करके सबके लिए आज कौन सा होगा पहला वाला अजब अभि योनि योग तापलेश्वर्य योग अगति चंचल विमतां प्रापदे कम अनेकम विविध विषय धर्म त्राहि मुखे क्षणानां प्रणत भय मंत्री ब्रह्म यत्तन्न दोषी ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
शंकरं शंकराचार्यं बालरायं शूद्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरानेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा